एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए। इनका टारगेट है, पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं मेरे एमएलए मेरे मंत्री हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार, ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। संपर्क किया। वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे, चार लोग तो आपके साथ, बाकी भी बता देंगे, आपको चिंता क्यों करते हो? एक और चीज क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है, तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके दो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला, और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला, और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है, ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ? कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है, घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इनके इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं, ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं, ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए इन्होंने, ये जवाब पूछना।